कार्यान्वयन करते हुए फुलवानी विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामपाल सिंह जी ने वीरपुर में बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर सबसे खास बात तो ये रही कि वहाँ पर वीरपुर में कुछ गरीब लोगों के लिए योजनाओं का लाभ दिया। वहीं ये भी देखने को मिला कि सैकड़ों की तादाद में लोग एक साथ बीजेपी में शामिल हुए। ये करिश्मा है मध्य प्रदेश के गद्दाबाद नेता ठाकुर रामपाल सिंह जी का, उनसे सीधी बंसल न्यूज बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ भी बंसल न्यूज आपको बराबर वॉचिंग कर रहा है, देख रहा है, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं योजनाओं का लाभ तो देते हैं, लेकिन पूरा जो है हम कहें मंच भाजपामय हो गया, क्या कहेंगे? बंसल न्यूज की आपकी सक्रियता है। सुल्तानगंज में भी जो कार्यक्रम हुआ था, सरकारी कार्यक्रम भी इसमें शामिल है, पार्टी का भी, देश के हमारे गौरव जननायक हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो हमारे तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं लेकिन विश्व में सबसे अच्छी लोकप्रियता प्राप्त करके हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। उनका जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं, तालाबों का गहरीकरण, दिव्यांगों को ट्राइसिकल उपकरण से लेके, और जो सरकार की जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, घर घर जो योजनाएं जा रही हैं, उन योजनाओं से जो वंचित रह गए उनके नाम भी जुड़वा रहे हैं, और पूरी टीम गाँव की इकाई वहाँ के हमारे पंच सरपंच अंत्योदय समिति हमारे जो बूथ की समिति है त्रिदेव हमारे पार्टी का संगठन मंडल है पूरी टीम मिलकर इस अभियान को और माननीय जन प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। उसका परिणाम है कि लोग बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और मिलकर हमें सहयोग भी कर रहे हैं और हमें विकास का संकल्प लेके हम लोग क्षेत्र के विकास का संकल्प लेके ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जनपद अध्यक्ष नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे जनपद सदस्य पार्षदगण सभी लोग सेवा भाव से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। विधायक जी, पब्लिक सर्वेंट यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं आपके साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है, जगह जगह मैं देख भी रहा हूँ और सीधा जनता को लाभ आप दे रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ आपका जो है ग्रीन मध्य प्रदेश में, इसको लेकर कहीं जो आप छाप छोड़ रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह देखने को मिल रहा है जहाँ भी आप जाते हैं जनता का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, पार्टी और आप सब लोगों का स्नेह और सेवा भाव से सच्चे मन से जनता की सेवा करते हैं, और जनता का विश्वास ये सबसे बड़ी दौलत है। जनता का विश्वास प्राप्त करना, इतना स्नेह जनता ने दिया है, अद्भुत स्नेह हमको दिया है वर्षों से, और जनता की सेवा करते हैं, जनता हमको आशीर्वाद देती है, वो हमको ऊर्जा मिलती है और उसी से हमारे सब साथ जुड़ते जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लोग हमारे साथ आ रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो हमारी विरोधी मानसिकता के लोग वो भी आज योजनाओं से प्रभावित होकर और देश का जो वातावरण देख रहे हैं, देश में जो हवा हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोग जुड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में माननीय सिंधिया जी यहाँ अपने बड़े नेता थे डॉक्टर सुखराम चौधरी जी सभी लोग मिले हैं, और उससे अब लोगों को लगने लगा कि पूरी ताकत के साथ आने वाला समय अच्छा काम करने वाली पार्टी पे जो है प्रमाणित से काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा के जो बात कहते हैं उसको निभाते हैं। ये जनता को पूरा विश्वास हमारे ऊपर है, उसको कायम करने के लिए दिन रात हम विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी का, उनका यह भी कहना था कि जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्हें जन्मदिन मनाया है उसको लेकर भी उन्होंने जनता को सौगात भी दी है। आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर बंसल, बेगमगंज।